हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कैजेस के बारे में, तो डी ब्लॉक के बाद हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जानते बेटा, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। एक्चुअली जानते हो, मेन पीरियोडिक टेबल से दो सीरीज एलिमेंटों को बाहर निकाल दिया गया है। मेन पीरियोडिक टेबल से दो सीरीज एलिमेंटों को बाहर निकल दिया गया है। एक होता है वो 58 से 71 तक होता है, फ्रॉम 58 टू 71। अरे बेटा, ये 14 एलिमेंटों के सेट को हम लोग बोलते हैं कैचेस, तो इनको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड्स। ये जो सीरीज है इसको हम लोग क्या बोला करते हैं? लेंथेनाइड्स होता है। और दूसरा जो सीरीज होता है वो होता है 89 से लेकर 103। दूसरा जो सीरीज होता है वो होता है क्या चीज, 89 से लेकर 103। इनको हम लोग एक्टिनाइड्स बोलते हैं। क्या मेन, अच्छा, मेन पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट होता है उसका कुछ न कुछ इधर पीरियड होता है, इधर कुछ न कुछ ग्रुप होता है। ये तो मेन टेबल से बाहर निकाल कर रख दिया गया है, क्या इनका कोई पीरियड या ग्रुप नहीं है? जवाब है कि ना, इनका भी पीरियड और ग्रुप है। जानते हो बेटा, हम लोग लेने जा रहे हैं क्या चीज, थर्ड बी फैमिली। हम लोग यहां लेने जा रहे हैं कौन सा फैमिली? स्कैंडियम फैमिली। अरे बेटा, स्कैंडियम फैमिली को अगर आप ध्यान से देखो, स्कैंडियम फैमिली को अगर ध्यान से देखा जाए, स्कैंडियम फैमिली पूरे पीरियोडिक टेबल में कहां पर होता है याद है? जो पूरा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सबसे पहले यहां पर ये 1A सीरीज होता है, ये 1A सीरीज होता है, 1A सीरीज ली ना का रब सस पर, रब सस पर ये हो गया। अरे बेटा, ये इसके बाद यहां 2A फैमिली होता है, बी मग का सर बा रा, ये 2A फैमिली हो गया। और इसके बाद स्कैंडियम फैमिली ही तो है। स्कैंडियम फैमिली कैल्सियम के सामने यहां कौन हो जाता है? ये ऐसे ऐसे करके 10 ठो सीरीज होता है जो ट्रांजिशन कहलाता है। ये कैल्सियम के बाद यहां स्कैंडियम सक या ला अक, ठीक है, ये थर्ड बी ग्रुप है। अच्छा, ये पीरियड में सेकंड है क्योंकि पहले वाले में हाइड्रोजन होता है उसको नहीं दिखाए हैं। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है, और ये सेवेंथ है। जानते हो बेटा, ये सारा का सारा 14 एलिमेंट के लिए मेन पीरियोडिक टेबल में एक सिंगल स्पॉट है, और वो सारा का सारा बंद करके रखा गया है लेंथेनम के जगह पर, और ये सारा का सारा बंद करके रखा गया है किसके जगह पर? एक्टिनियम के जगह पर। हम कहना चाहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथेनम का ग्रुप कौन सा है, तो इनका ग्रुप कौन सा है? एक्टिनियम का भी ग्रुप कौन सा है? अगर लेंथेनम का पीरियड पूछा तो लेंथेनम का पीरियड कौन सा है, और एक्टिनियम का अगर पीरियड पूछे तो इनका पीरियड कौन सा है? पीरियोडिक टेबल में, मेन पीरियोडिक टेबल में इनका रिप्रेजेंटेशन है, जगह है, कहाँ है, वो बात समझ गए? मैंने इनका ग्रुप या पीरियड अगर पूछा जाए तो ये समझ सकते हैं सभी लोग। चलिए हम लोग चलते हैं अभी फिलहाल चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं चर्चा करने के लिए लेंथेनाइड्स के बारे में। अरे बेटा, एक्टिनाइड्स के बारे में ज्यादा चर्चा करने को है ही नहीं। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अधिकतर मेंबर रेडियो एक्टिव होते हैं, और आज के डेट में वो क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो इनको रेयर अर्थ बोलते हैं। तो जो भी चर्चा करना है दैट इज ओनली अबाउट लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स के बारे में ही ज्यादा चर्चा करना है, एक एक करके करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेंथेनाइड्स के बारे में हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करें। जानते हो बेटा, लेंथेनाइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो हो जाता है 4F, 1 से लेके 14, 4F 1 to 14, 5D कभी कभी 0 कभी कभी 1, और यहां पर शुरू में हो जाता है 6S2, ये इधर हो जाता है क्या चीज, 6S2। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका? लेंथेनम का। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किनका? सारे के सारे लेंथेनाइड्स का। लेंथेनाइड्स का यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है। अब सुनते चलना और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जानते हो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सब लोग सुनना।
लेंथेनाइट्स के केस में प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेंथेनाइट्स के लिए सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस थ्री उनका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कभी कभी प्लस टू भी दिखा लेते हैं और कभी कभी प्लस फोर भी दिखा लेते हैं। अरे बेटा, अगर मान लो कभी प्लस टू स्टेट या प्लस फोर स्टेट ले जाने पर F0 हो जाए या F7 हो जाए हाफ फील्ड या F14 हो जाए, तो उस कंडीशन में प्लस टू या प्लस फोर भी हो जाता है। ध्यान दिए, प्लस टू या प्लस फोर कब होगा? जैसे जैसे देखो, सीरियम प्लस फोर दिखाता है। सीरियम जो होता है 58 जिसका एटॉमिक नंबर है वो क्या दिखाता है? प्लस फोर। अरे बेटा, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F1 5D1 6S2, ठीक है। अगर ये प्लस फोर स्टेट में जाए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन चारों निकल जाए और अंदर वाला पूरा का पूरा फुलफिल्ड हो जाए, ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा, तो सीरियम प्लस फोर भी दिखा लेता है। तो प्लस फोर या प्लस टू ये लोग कब दिखा लेंगे? ये बात समझ में आया? प्लस टू या प्लस फोर कब दिखा लेंगे? यहां यहां जब उसमें क्या हो जाए, हाफिल्ड या फुलफिल्ड होने का चांस हो, तो ये लोग प्लस फोर या प्लस टू भी दिखा लेते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियम। अरे बेटा, यूरोपियम होता है, जानते हो क्या चीज? 63, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F7 6S2। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F7 और क्या चीज? 6S2। अब दो इलेक्ट्रॉन अगर 6S2 वाला निकल जाए तो ये हाफ ये क्या रह जाए? 4F क्या बोल रहे हैं? 7 बोल रहे हैं ना, सॉरी हम 14 लिख दिए, 4F7। तो ये क्या हो जाता है? हाफ फील्ड। तो यूरोपियम जो होता है वो प्लस टू स्टेट भी एग्जिस्ट किया करता है। ये कहानी समझ में आ गया? प्लस टू। तो इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या चीज है? प्लस थ्री है। लेकिन कभी कभी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ये लोग प्लस टू भी दिखा लेते हैं और प्लस फोर भी दिखा लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, हमको चर्चा करना है क्या चीज के बारे में? इनके एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में। जानते हो बेटा, लेंथेनाइट के केस में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे साइज छोटा होते जाता है। लेंथेनाइट के केस में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है साइज छोटा होते चला जाता है। इस घटना को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इस घटना को क्या नाम बोला करते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला। तो इस घटना को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हम क्या बोले थे? लेंथेनाइड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, एटॉमिक रेडियस छोटा होते जाता है, इस चीज को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने का कारण क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने का कारण है पुअर स्क्रीनिंग प्रोड्यूस्ड बाय एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। जो एफ वाले इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हो एंटी पेनल्टीमेट सेल में, ये आउटर मोस्ट, ये पेनल्टीमेट, ये एंटी पेनल्टीमेट सेल में। एंटी पेनल्टीमेट जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो यहां बढ़ेगा, और वो कह रहा है कि हम आपके पावर को कम करने वाले नहीं हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों, बाहरी इलेक्ट्रॉनों का इनवॉल्व पुलिंग क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। साइज क्या होते जाता है? जानते हो बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है, ध्यान से सुनना ये लाइन को, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो चीज है वो ज्यादा रेगुलर है। शब्दों को गौर से सुनना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा सिस्टमैटिक है इन केस ऑफ आयन इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सर, ये लाइन को थोड़ा और इलबोरेट किया जाए, इसके बारे में और थोड़ा सा बोले। जानते हो, अगर न्यूट्रल एटमों का रेडियस ले, एटॉमिक रेडियस, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेडियस छोटा होता है, लेकिन अंत में आकर कुछ इस तरह का कर्व हो जाता है। अंत आते आते रेडियस जो होने लगता है वो थोड़ा देर के लिए सेम और फिर एक दो का बढ़ भी जाता है, ठीक है। जैसे हम एक डाटा बोल रहे हैं आपके सामने एटॉमिक रेडियस का, सुनिएगा। अरे बेटा, जो होलमियम होता है 67 का होता है 158, 68 का होता है 157, और 69 का होता है 156, घट रहा है। लेकिन उसके बाद 70 का हो जाता है 170,
156 अगला का रेडियस बढ़कर कितना हो गया 170। ये सर अंत में आते आते बढ़ क्यों रहा है, तो बढ़ रहा है एक बार अगर पेनल्टी मेट ऑर्बिट में, एक बार अगर पेनल्टी मेट ऑर्बिट में बहुत इलेक्ट्रॉन होने लगे 57 से लेके 71 तक, हम 70 में है तो यहां अब कितना हो गया 13-14 इलेक्ट्रॉन, तो बाहर वाले को ये क्या करने लगेगा, रिपल्सन तो लगाना शुरू कर देता है ना, इसलिए अंत आते आते थोड़ा सा साइज में रेगुलर डिक्रीज खत्म होने लगता है। लेकिन अगर हम लोग आयनिक रेडियस लें, लेकिन अगर हम लोग कौन सा रेडियस लें, अरे बेटा आयनिक रेडियस बनाने के लिए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही निकाल दो, तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहे, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो जाए तो फिर ये स्क्रीनिंग किसके लिए लगाएंगे, ये तो स्क्रीनिंग नहीं लगाएंगे, माने ये रिपल्सन जो लगा रहे थे वो रिपल्सन वाला बात क्या हो गया खत्म। तो अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे अट्रैक्शन रेगुलर, माने अगर आयनिक रेडियस का ग्राफ देखोगे ना, एनसीईआरटी में ग्राफ है, एक तरफ सारे के सारे लेंथेनाइड्स फैमिली इन देयर प्लस 3 स्टेट हो, ठीक है, और एक तरफ एटॉमिक रेडियस हो, तो ये लगातार क्या होते जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, घटते चला जाता है। आयनिक रेडियस का वेरिएशन ज्यादा रेगुलर है, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन उतना रेगुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन घटता लमसम घटता दोनों में है, एटॉमिक नंबर बढ़ाने से आयनिक रेडियस भी घटता है, रेगुलरली घटता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, और एटॉमिक रेडियस भी घटता है, लेकिन ग्राफ उतना स्ट्रेट नहीं रहता है, घटता जरूर है, ठीक है। अरे बेटा इस चीज को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पुकारते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है वो सुन, जैसे देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुआ, पहला चीज ये होता है कि जैसे जैसे मेरी तरफ ध्यान सबका, जैसे जैसे साइज छोटा होते चला गया और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अरे बेटा चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ता जाएगा तो जानते हो चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ता जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वह घटता चला जाता है, आयनिक नेचर कम होते जाएगा, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आयनिक नेचर कम होते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज डेंसिटी बढ़ता जाएगा आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे मेटल आयन का चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगा तो इनके हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसे होने लगेंगे, कम बेसिक, कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड कम बेसिक, आयनिक हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक, ठीक है। तो अगर हम लोग लेंथेनाइड में 58 से 71 के तरफ बढ़े, 58 जो होता है वो सीरियम होता है और 71 जो होता है वो ल्यूटेटियम होता है, 58 सीरियम 78 ल्यूटेटियम, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे उनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा। अरे बेटा लेंथेनाइड्स में सबसे मजबूत बेस कौन हो जाएगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे कमजोर बेस कौन हो जाएगा, ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज। दूसरा चीज जो हम कहना चाहते हैं वो सुनो, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पर गौर करें, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप इनके एटॉमिक या आयनिक रेडियस के न्यूमेरिकल वैल्यू पर गौर करें तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं। अल्कली मेटल में याद कीजिए, पहला मेंबर से दूसरे मेंबर आते आते अच्छा खासा एटॉमिक रेडियस घट जाता था या बढ़ जाता था, लेकिन यहां पर एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन बहुत ज्यादा है ही नहीं, 169 165 164 164, कहने का मतलब साइज या चार्ज डेंसिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और चार्ज डेंसिटी में लेंथेनाइड्स के चार्ज डेंसिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम तो नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। आप
लोगों को एक बार बताए थे कि उनको अलग करना काफी कठिन होता है जिनके प्रॉपर्टीज सेम हो। जानते हो बेटा लेंथेनाइट जहां भी मिलता है ना, तो बंच ऑफ लेंथेनाइट, तीन चार लेंथेनाइट एलिमेंट एक साथ मिलते हैं। लेंथेनाइट का सेपरेशन बहुत बड़ा हेडेक का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको सेपरेट करना बहुत कठिन काम है। सेपरेशन लेंथेनाइट बहुत लेंथी प्रोसेस हुआ करता है। सेपरेशन क्यों कठिन है बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि लेंथेनाइट के चार्ज डेंसिटी नियरली सेम होते हैं, थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है। तो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करने वाले जो जो प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या हुआ करेंगे, सेम हुआ करेंगे। तो ये था। अरे बेटा हम लोग चलते हैं लेंथेनाइट्स के कैचेस के बारे में। तो लेंथेनाइट्स के डेंसिटी पर बात करना चाहते हैं। सुनना, लेंथेनाइट फैमिली में सभी के सभी मेटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मेलियबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये लोग अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। याद रहा ये लाइन, लेंथेनाइट्स फैमिली के जो मेंबर होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। और अगला लाइन जो हम बोल रहे हैं, तो लेंथेनाइट्स के बारे में बता रहे थे कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। इनका डेंसिटी का जो रेंज होता है वो 6.5 से 9.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू तक हुआ करता है। माने इनका डेंसिटी ठीक ठाक हुआ करता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी अच्छा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़िया ज्यादा हुआ करता है। अरे बेटा बात करें हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, पहला और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में होता है। माने अल्कलाइन अर्थ मेटल का जितना आयोनाइजेशन एनर्जी होता है लगभग लगभग उतना ही पर्टिकुलरली कैल्सियम, कैल्सियम का जितना, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी तो ऊपर वाले का ज्यादा नीचे वाले का कम, तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी किसके कंपैरिजन में होता है, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी पर्टिकुलरली कैल्सियम के रेंज में होता है, ठीक है। और सुनो ना, अगर हम लोग सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक बढ़ते चले तो धीरे धीरे साइज क्या होते गया था, छोटा। एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा था, साइज भी छोटा हो रहा है, तो धीरे धीरे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। माने लेंथेनाइट में जैसे जैसे हम लोग सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन एक बात है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल के तुलना में इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया है, कम हो गया है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण ये लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में। ये लोग नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है। इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। लेकिन एक बात जानते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो तीन चीज पे निर्भर करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो बाएं से दाएं बढ़ रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा शुरू वाले का कम होगा और धीरे धीरे उधर जाने पर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। जानते हो जो जो शुरुआती मेंबर है सीरियम, सीरियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस में 2.48 और ल्यूटेटियम का होता है -2.25। तो धीरे धीरे उधर जाने पर क्या होता गया है, बढ़ते चला गया है। अरे बेटा लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा खासा कम है, और अच्छा खासा कम है। आप याद करो लिथियम का जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसका -3.4 कुछ हुआ करता है, 3 के रेंज में होता है, और ये सीरियम का कितना बताएं, 2.4 है। तो कहां बहुत ज्यादा का अंतर है। माने जो लेंथेनाइट्स होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू काफी कम होता है, इसलिए ये लोग अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करते हैं। लेंथेनाइट्स जो होते हैं वो अच्छे क्या हुआ करते हैं, अगर तुमसे पूछे लेंथेनाइट्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है तो जवाब दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर देते हैं,
इनका आयनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल पर्टिकुलरली कैल्शियम के जितना होता है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाता है, ठीक है। अरे बेटा हम बात करें कलर के बारे में, लेंथेनाइट्स के जो भी कंपाउंड होते हैं कलर होते हैं, लेकिन अगर कहीं पर 4F0 या 4F14 या 4F7 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो लोग फिर कलरलेस होने लगते हैं, वो लोग फिर क्या होने लगते हैं, कलरलेस होने लगते हैं। जैसे लेंथेनम प्लस थ्री, गैडोलिनियम प्लस थ्री, इसमें 4F7 हो जाता है, और अंतिम वाला ल्यूटेटियम प्लस थ्री, इसमें 4F14 हो जाता है। तो ये सब जो हो जाते हैं वो लोग कलरलेस हो जाते हैं, माने अगर किसी में 4F0 या 4F7 या 4F14 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो वो लोग कलरलेस हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो होते हैं वो लोग कलर दिखाया करते हैं, ठीक है। अरे बेटा अगर हम लोग बात करें क्या चीज के बारे में, तो हम लोग बात करें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जानते हो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो लगभग लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इनको अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करो तो सभी के सभी M2O3 जनरल फॉर्मूला वाला ऑक्साइड, इनका वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो इनके ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2O3 हो जाएगा। M2O3 वाला ऑक्साइड बनाते हैं सीरियम को छोड़कर, सीरियम M2O3 वाला ऑक्साइड नहीं बनाता है, सीरियम CeO2 वाला ऑक्साइड बना, ये जनरल फॉर्मूला वाला ऑक्साइड बना लेता है, बाकी सभी के सभी मेंबर जो होते हैं वह M2O3 वाला जनरल ऑक्साइड बनाता है, और सीरियम जो होता है वो CE2O3 वाला जनरल ऑक्साइड बनाया करता है, CeO2 वाला जनरल ऑक्साइड बनाया करता है, ठीक है। जानते हो बेटा कहना हमको क्या है, हमको कहना यह है कि लेंथेनाइट्स में कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेंथेनाइट्स में कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं होता है, ट्रांजिशन मेटल के तुलना में इनका साइज बड़ा है, ट्रांजिशन मेटल के तुलना में साइज बड़ा है, तो चार्ज डेंसिटी ट्रांजिशन मेटल के तुलना में कम होता है, तो बहुत ज्यादा लिगेंड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। बात करें हम लेंथेनाइट के यूज के बारे में, आपको याद है एक आपको बताए थे कि ग्लास में अल्ट्रा वायलेट रेज न जाए, ग्लास कार्बन फैमिली में बताए थे, उसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं, क्रुक्स ग्लास बोलते हैं उसको, अल्ट्रा वायलेट रेज ग्लास के आर पार न जाए उसमें थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिलाते थे, याद करो क्रुक्स ग्लास बोलते थे, तो सीरियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट करने वाले ग्लास को बनाने में, ठीक है। अरे बेटा लेंथेनाइट्स का एक मेन यूज है मिस्च मेटल बनाने में, कौन सा चीज बनाने में, मिस्च, MISCH, मिस्च मेटल बनाने में इसका यूज है। मिस्च मेटल बनाने क्या होता है वो सुनना, अरे बेटा मिस्च मेटल जो होता है ना 95% तक लेंथेनाइट्स होते हैं और 5% उसमें आयरन होता है, लेंथेनाइट्स जो होते हैं वो 95% तक होता है, ठीक है। उस 95 में भी 40% लगभग सीरियम और 44% जो होता है वो नियोडियम होता है और 5% तक उसमें आयरन होता है। लेंथेनाइट का यूज होता है कहां पर, तो लेंथेनाइट का यूज होता है मिस्ट मेटल। अरे बेटा मिस्ट मेटल का खासियत क्या है कि जब इस पर सर्टेन स्ट्राइक किया जाता है तो ये स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका यूज होता है क्या चीज में, तो इसका यूज होता है बुलेट बनाने के लिए, पिस्टल या बंदूक का बुलेट, बुलेट में पीछे वाला ये जो भाग होता है वो मिस्ट मेटल ही होता है। या बुलेट का चर्चा ना भी करें तो घर में गैस जलाने के लिए जो लाइटर यूज होता है उसमें भी मिस्ट मेटल ही यूज होता है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे लेंथेनाइट्स के बारे में, हम लोग चर्चा कर लें क्या चीज के बारे में, तो एक्टिनाइट्स के बारे में चर्चा करें। अरे बेटा एक्टिनाइट्स रेडियो एक्टिव, उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी स्टडी नहीं हुआ है तो बहुत ज्यादा बात कहने को है नहीं, हमको क्या क्या कहना है सुनते चलना। एक्टिनाइट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो 5F1 से 14, 5F1 से लेकर कहां तक
14, 5 के बाद ये 6d, 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन, 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन और 7s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है किसका? एक्टिनाइड्स। अरे बेटा एक्टिनाइड होते कहां से कहां तक है वो जानते हो? 90 से लेके 103, 89 एक्टिनियम होता है, 89 खुद होता है कौन? एक्टिनियम। तो एक्टिनाइड जो होते हैं वो 90 से लेके कहां तक हुआ करते हैं? 103 तक हुआ करते हैं। और सुनो, एक्टिनाइड का भी जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। एक्टिनाइड का भी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या चीज है? +3 है। लेकिन इसके शुरू के जो मेंबर हैं 90 से लेके, अगर हम ध्यान से सुनना जो एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं वहां तक, 90 से लेके 95 तक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये लोग दिखाते हैं। जैसे 90 वाला जो होता है वो +3 के साथ +4 भी दिखाता है। ध्यान से सुनना, 91 होता है प्रोटेक्टिनियम, वो +3 +4 +5 भी दिखाता है। 92 +3 +4 +5 +6 भी दिखाता है। नेपच्यूनियम 93 ये +3 +4 +5 +6 +7 भी दिखाता है। अरे बेटा प्लूटोनियम 94 भी +7 तक जाता है। और अमेरिकियम 95 ये भी +2, 95 तक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। लेकिन 95 के बाद 96 में फिर से कम ऑक्सीडेशन स्टेट होने लगता है, या तो +3 +4 या तो +2 +3। हाफ फील्ड अगर +4 में होने लगे तो +3 के साथ +4, और हाफ फील्ड अगर +2 में होने लगे तो +3 के साथ +2। एक्टिनियम के बारे में जो ये लाइन, एक्टिनाइड के बारे में जो ये लाइन बोले वो सुने, 90 से लेके 95 तक हायर, और उसमें भी जो 95 है, 94 है, 93 है, इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तक हुआ करता है। ठीक है, हाँ, 95 के बाद 96 से या तो +3 के साथ +4, नहीं तो +3 के साथ +2, यही ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करता है। इसको जरूर याद रखना। अरे बेटा एक्टिनाइड का भी साइज धीरे धीरे छोटा होते जाता है, और इस टर्म को हम लोग जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एक्टिनाइड का भी साइज क्या होते जाता है? छोटा होते चलता है। इस चीज को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पुकारते हैं। इनमें भी कलर, इनके भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं कलर होते हैं। हाँ, कोई कोई कलरलेस होता है। कौन कौन कलरलेस होगा? तो या तो 5F0 या तो 5F7 या तो 5F14 हो, वो लोग खाली कलरलेस हुआ करते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी, आपको याद है एक चीज कि बताए थे आपको कि 3D से 4D आने में साइज का कोई रेगुलरिटी नहीं होता है, लेकिन 4D से 5D में आते हैं तो साइज क्या होता जाता है? छोटा। लेंथेनाइड के तुलना में एक्टिनाइड जो होते हैं छोटे साइज के हुआ करते हैं। लेंथेनाइड्स के तुलना में एक्टिनाइड जो होते हैं साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो लेंथेनाइड के तुलना में इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा हुआ करता है। लेंथेनाइड के तुलना में इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने का जो टेंडेंसी होता है वो ज्यादा होता है। अरे बेटा इनके मेंबर रेडियो एक्टिव है, तो जो भी यूज होता है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए थोरियम का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या चीज में? न्यूक्लियर फ्यूल में यूरेनियम का यूज होता है, प्लूटोनियम का यूज होता है, तो इन लोगों का यूज न्यूक्लियर फ्यूल्स के रूप में ही किया जाता है। यही इनका मेन यूज होता है। क्या चीज का? एक्टिनाइड्स का। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कैचेज के बारे में, तो एफ के बारे में पढ़ रहे थे।